अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट एडमिशन। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। जिन्होंने इत्तेफाक कॉलेज ऑफ नर्सिंग में एडमिशन लेना है, अगर आपने अप्लाई कर दिया तो अब आपका एंट्री टेस्ट होने जा रहा है। एंट्री टेस्ट का और इंटरव्यू का शेड्यूल मैंने आपसे इसी चैनल पे कल शेयर कर दिया था। अब आपके एंट्री टेस्ट का जो पैटर्न है वो क्या है उसके हवाले से बताऊंगा, पास्ट पेपर्स के हवाले से आपसे अपडेट शेयर करूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस पेज को फॉलो नहीं किया इसको फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली तमाम तरह एडमिशन की, स्कॉलरशिप्स की, जॉब्स की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पिछले साल भी काफ़ी सारी हमारी ऑडियंस, काफ़ी सारे हमारे व्यूवर्स थे जिन्होंने अप्लाई किया था इत्तेफाक कॉलेज ऑफ नर्सिंग में, कुछ स्टूडेंस का एडमिशन हुआ भी था, उनका जो टेस्ट हुआ था वही उनका एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर देता हूँ। मेरे पास अभी भी उनका एक्सपीरियंस मौजूद है जो उन्होंने टेस्ट देने के बाद शेयर किया था। आपको जो इंट्री टेस्ट का पैटर्न है वो भी इससे पता चल जाएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपके जो एमसीक्यूज थे वो आपके बेसिक जो चार सब्जेक्ट्स हैं एफएससी के, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स और इंग्लिश, इधर से ही आपके एमसीक्यूज आने हैं। और इसके अलावा पांचवा जो हिस्सा होगा वो आपका जनरल नॉलेज का होगा। तो जनरल नॉलेज के आपके पांच एमसीक्यूज आए थे पिछली मरतबा, इस मरतबा भी यही शेड्यूल है। बकायदा का नोटिफिकेशन आ चुका है और उन्होंने सिलेबस शेयर कर दिया है। उन्होंने जस्ट बुक्स का नाम बताया, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के पिछली मरतबा पांच एमसीक्यूज थे, केमिस्ट्री के 10 एमसीक्यूज थे, इंग्लिश के 10 एमसीक्यूज थे, फिजिक्स के 10 एमसीक्यूज थे और बाकी 15 एमसीक्यूज आपके स्टूडेंट्स बायोलॉजी के थे, 50 एमसीक्यूज थे आपके पास टोटल। तो स्टूडेंट्स, आपका ये जो लास्ट पेपर हुआ था वो इतना मुश्किल नहीं था, इतना इजी भी नहीं था, इतना ट्रिकी भी नहीं था, नॉर्मल पेपर था। तो आप थोड़ा सा भी अगर मेहनत करेंगे तो आप इजीली टेस्ट को क्लियर कर लेंगे। टेस्ट क्लियर कर लेते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन स्टूडेंट्स इंटरव्यू में जाके मार खा जाते हैं और उनका मेरिट फिर एग्रीगेट थोड़ा सा कम बनता है और फिर वो फेल हो जाते हैं। इस बात का आपने ख्याल करना है, पहले तो आप अपने जो फुल कंसंट्रेशन है वो अपनी एंट्री टेस्ट पे दें, उसके बाद आप इंटरव्यू होगा उसके हवाले से भी मैं आपसे मटेरियल और सवाल शेयर करूंगा जो पिछली मरतबा आए थे। तो स्टूडेंट्स, आपका जो सिलेबस है उसमें आपकी बेसिक यही बुक्स हैं और पिछली मरतबा जो आपका पेपर था उसमें जनरल नॉलेज के भी पांच एमसीक्यूज थे। जनरल नॉलेज में उन्होंने पोलियो डे के हवाले से पूछा था, इसके अलावा हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन कंट्री कौन सा है उसके हवाले से पूछा था और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके इंग्लिश के 10 एमसीक्यू से, इंग्लिश के जो आपका पोर्शन था उसमें प्रीपोजिशन के हवाले से, सिंपल और आसान होती है, उधर से आपके सवाल आए थे दो तीन। इसके अलावा स्टूडेंट्स बाकी आपका जो पेपर है बायोलॉजी के सवाल हो गए, केमिस्ट्री के हो गए, वो एमडी कैट में तो बहुत हाई और टफ जो है वो एमसीक्यूज होते हैं, इसमें इतने मुश्किल नहीं होते, नॉर्मल ही होता है, तो इतना ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है इसमें। तो आप तमाम स्टूडेंट्स अपनी जो मेहनत है वो शुरू कर दें, आपके पास जो है वो बहुत कम डेज हैं। बकायदा तौर पर आपका जो शेड्यूल है वो आ चुका है, मैंने आपको डेट भी बता दी थी। बीएस नर्सिंग का जो टेस्ट है वो 14 से 16 2024 तक होगा, 3 दिन आपका टेस्ट होगा। तो आपके पास अभी तकरीबन 20 दिन का टाइम है, अपनी 20 दिन अगर आप ये अच्छे तरीके से जो है वो तैयारी कर लेते हैं इंट्री टेस्ट की, तो आगे क्योंकि ये बेहतरीन जो है वो अदारा है, उसमें बकायदा तौर पर आपको जो ट्रेनिंग है इंटर्नशिप भी करवाई जाती है, तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, इसको आप जरूर अवेल करें और अपनी कंसंट्रेशन जो है वो अपने एंट्री टेस्ट पे दें। बाकी मैं मजीद जो पास्ट पेपर है मैं कोशिश करूंगा मजीद इसी चैनल पे शेयर भी करूंगा। चैनल के साथ आपको नोट कर लीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफ।